इन दिनों बिहार की मौजूदा सरकार बेहद सख्त नजर आ रही है। यही वजह है कि अब हर क्षेत्र में ये नियम लागू कर उसे सख्ती से पालन करने का निर्देश जारी कर रही है, तो वही नियम न मानने वालों पर कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। ऐसे में अब दुकानदारों व कारखाना संचालकों पर सख्ती बरते जाने की बात सामने आई है। बता दें कि अब राज्य में निबंधित दुकानदार व कारखाना संचालकों को पूरे एक साल तक के हिसाब किताब का ब्यौरा ऑनलाइन के जरिए देना होगा, जिसे लेकर श्रम संसाधन विभाग ने आदेश भी जारी किया है। बता दें कि श्रम संसाधन विभाग के अनुसार अब दुकानदारों व कारखाना संचालकों को एक साल में क्या कुछ हुआ, कितनी आमदनी हुई, कितने कर्मियों से काम ली गई, इन सभी चीज़ों का ब्यौरा ऑनलाइन देना होगा। इसे लेकर खासकर विभाग ने एक ऐप भी तैयार किया है। इस ब्यौरे के हिसाब से अब विभागीय कर्मी जांच करेंगे। यदि इस जांच में जानकारी गलत पाए गए तो ऐसे दुकानदार व कारखाना संचालकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि फिलहाल बिहार में लाखों की संख्या में छोटी बड़ी दुकानें निबंधित हैं, साथ ही 8200 से ज्यादा निबंधित कारखाने हैं। इसमें 2.25 लाख से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। इसके संचालन के लिए सरकार ने नियम तय कर रखे हैं। बावजूद इसके सरकार को समय समय पर इसकी सूचना मिलती रहती है कि दुकानों प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मियों से श्रम अधिनियम के खिलाफ काम लिया जा रहा है। ऐसे में अब जब तक इनके द्वारा पूरी जानकारी नहीं दी जाती, विभाग इस संबंध में मिलने वाली शिकायतों पर कार्रवाई भी नहीं कर सकेगी। हालांकि दुकान प्रतिष्ठान संचालकों की ओर से पहले भी इस तरह का हिसाब दिया जाता रहा है, लेकिन इस बार विभाग ने सबों को ऑनलाइन ही जानकारी देने को कहा है। ऐसे में विभाग द्वारा जारी इस निर्देश के बाद अब व्यवसायिक गतिविधियों में दुकानदार अब घर बैठे भी पूरी जानकारी सरकार के साथ साझा कर सकेंगे। बहरहाल अब ऐसे में धड़ल्ले से हो रही कालाबाजारी पर लगाम जरूर लग सकेंगे।